और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। आज पीएम नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे और साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर का भी भ्रमण करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नालंदा के खंडहरों का दौरा करेंगे, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी कभी देश दुनिया में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। आपको यह भी जानकारी दे दें कि परिसर को परंपरागत और आधुनिक कला के मिश्रण से बनाया जा रहा है। परिसर का कुल क्षेत्रफल 455 एकड़ है। इसके 100 एकड़ में तमाम तरह के जलाशय फैले हुए हैं, इसलिए इस परिसर को कार्बन न्यूट्रल बताया जा रहा है। इस कारण इस कैंपस परिसर की खूब तारीफें भी हो रही हैं। कैंपस के निर्माण का काम साल 2017 से चल रहा है। हालांकि इसका पहला शैक्षणिक सत्र सितंबर 2014 में बौद्ध तीर्थ नगरी राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ था। कैंपस में दो शैक्षणिक खंड हैं, इनमें 40 कक्षाएं शामिल हैं। 300-300 सीटों की क्षमता वाले दो सभागार हैं। लगभग 550 छात्रों के रहने के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है, ताकि पढ़ने के साथ साथ सुरक्षित आवास भी मुहैया कराया जा सके। परिसर जो था पूर्व कालिक हमसे पूर्व कुलपति थी उनके दौरान 2017 में प्रारंभ हुआ और ये अब जाकर पूर्ण हुआ है और इसके अब विधिवत उद्घाटन के लिए परिसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार रहे हैं। उनके साथ इस कार्यक्रम में विदेश से बहुत से मेहमान आ रहे हैं, स्वतः हमारे अपने क्षेत्र से माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके सहयोगी मंत्री और हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री और अनेक मंत्रीगणों को हमने आमंत्रित किया है। वही पीएम मोदी कल वाराणसी दौरे पर थे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। पीएम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की।